बच्चा हमारा एग्रेसिव मोड में है कि नहीं, या डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में वो बात कर रहा है, एग्रेशन बहुत ज्यादा फील कर रहा है कि नहीं, उसके कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना। तो पहले अगर हम फिजिकल सिम्टम्स जानने की कोशिश करें तो कई बार बच्चे जमीन पे पटक रहे होते हैं, या बहुत रिजिड, पूरी बॉडी को बहुत रिजिड कर चुके होते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कई बार व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स ना, बिलो 5 to 6 ईयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उस केस में बच्चे कई बार सामान फेंक रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, समटाइम्स दे बाइट ऑल्सो। सो दीज ऑल आर द फिजिकल सिम्टम्स कि हमारा बच्चा एग्रेशन में है कि नहीं। साइकोलॉजिकल क्या होता है, उसका जो वॉइस टोन होता है, जो बिहेवियरल सिम्टम्स इसके साथ जुड़े होते हैं, वो होता है कि उसका वॉइस टोन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, बच्चा अगर बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, बच्चा अगर आपको बार बार किसी चीज के लिए मना कर रहा है, तो ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हमें ये समझ में इजिली आ जाता है कि क्या हमारा बच्चा अभी एग्रेशन फील कर रहा है, या क्या हमारा बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में है, या हमसे डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में पेश आने वाला है, मिसबिहेव करने वाला है। When we talk about toddlers, and even मैं बोलूंगी कि 10 साल से छोटे बच्चों की हम बात करें, उस केस में बच्चे कई बार एग्रेसिव मोड में इसमें होते हैं। सबसे पहली चीज, मैं जब पेरेंटिंग के बारे में बात कर रही होती हूँ, जब चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही होती हूँ, एक बहुत बेसिक रूल है चाइल्ड साइकोलॉजी का और पेरेंटिंग का, कि बच्चे जो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, ना कि हमारे कहने के अनुसार सीखते हैं, राइट? तो सबसे पहला रीजन हमारे बच्चे एग्रेसिव क्यों होते हैं, इट इज बिकॉज फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को वो नोटिस करते हैं। घर में कोई बहुत एग्रेशन में होता है, पेरेंट्स बच्चे से बहुत एग्रेसिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं, तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। दूसरा रीजन, बच्चों की जब किसी तरह की जरूरत पूरी नहीं होती, राइट? जब हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, 4 या 5 साल के बच्चे, जिस टाइम पे वो अभी बोलना सीख रहे होते हैं बट पूरी तरह से अपनी बात को रख नहीं पाते, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं दे पाते, राइट? तो ऐसी कंडीशन में जब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है, जो अटेंशन वो पेरेंट्स की तरफ से चाहते हैं वो नहीं मिलती है, उनकी जो नीड होती है, बेसिक नीड, जैसे कि अगर बच्चे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बच्चा बोर फील कर रहा है, या हाइपर विजिलेंट उस टाइम पे हो चुका है, उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो चुका है, हाइपर स्टिमुलेट फील कर रहा है, ऐसे टाइम पे भी बच्चों में एग्रेशन बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एज अ न्यू पेरेंट ही आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार जब हमारे बच्चे इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे होते हैं, इस तरह का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर वो हमारे साथ कर रहे होते हैं, और हम क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत क्विकली जज करते हैं और हम बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे साथ बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो हम भी बच्चे को डांटने लगते हैं, हमारी वॉइस टोन बहुत हाई हो जाती है, बहुत हायर पिच में हम बात करते हैं, कई बार हम बच्चे को बहुत ह्यूमिलिएट, दैट मीन्स इंसल्ट, सोचते हैं कि शायद इंसल्ट करने पर उसको बात समझ में आएगी, शेम फील करवाने पर समझ में आएगी, या फिर कई पेरेंट्स पनिशमेंट के बहुत हायर लेवल पे चले जाते हैं और वो बच्चे को मारते या पीटते भी हैं। तो सबसे पहले जो काम नहीं करना चाहिए वो क्या है, कि आपको बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट? सबसे पहली चीज, बच्चे को किसी तरह का पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक सा रूल है, बहुत बेसिक सा फंडा है कि किसी को भी, इवन आई एम टॉकिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स एज वेल, किसी को भी आप बहुत वर्स्ट फील करवा करके उससे बेटर बिहेवियर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप चीख चिल्ला रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, तो बच्चे के अच्छे बिहेवियर की उम्मीद आप उससे नहीं कर पाएंगे, बच्चा अच्छा बिहेव कर भी नहीं पाएगा उस कंडीशन में। तो पहला काम है कि आपको गुस्साना बिल्कुल नहीं है, आपको बच्चे के ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं है, मारपीट नहीं करनी है। दूसरा, बच्चे को पनिश, किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं देना है। और तीसरा, ऐसे में आपको बच्चे को अवॉइड भी नहीं करना है। नाउ
द क्वेश्चन इज कि अगर ये सारी चीजें नहीं करनी है तो फिर आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आप बच्चे को एम्पेथाइज करिए। एम्पेथाइज से मेरा मतलब है कि समझने की कोशिश करिए कि मेरा बच्चा इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, राइट? कई बार जब हम पेरेंट्स के नजरिए से देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बच्चों के नजरिए से देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम समझ में आती है। जैसे कि सपोज दो बच्चे लड़ रहे हैं और एक ने दूसरे की बॉल छीन ली, एज अ पेरेंट ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे के नजरिए से वो खिलौना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसने उस बच्चे का अधिकार छीन लिया है दूसरे बच्चे ने, राइट? तो हमसे जब हमारा कोई राइट छीनने की कोशिश करता है तो हमें एग्रेशन फील होता है, हमें गुस्सा आता है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। तो पहले एम्पैथाइज करना है, ये जानने की कोशिश करना है कि बच्चे के इस एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सी व्हाट यू सी। जब आप समझ जाएं कि मेरा बच्चा क्यों इस तरह का बिहेव कर रहा है तो जो आप देख रहे हैं वही आप बोलिए भी। लाइक आप बच्चे को बोल सकते हैं, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने तुम्हारी बॉल छीन ली और तुम्हें अभी बॉल खेलने का मन था, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे में बेटा मारते नहीं है, गुस्सा नहीं करते हैं या चीखते चिल्लाते नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट, गिव हिम अल्टरनेटिव्स ना। आप ये काम कर सकते हैं कि अपना पेशेंस रखते हुए बच्चे को ये समझाएं कि सही डिसीजन वो क्या, बिकॉज इस एज में बच्चे डिसीजन मेकिंग स्किल उनमें नहीं होती है। तो आप बच्चे को अल्टरनेटिव बिहेवियर बता सकते हैं कि गुस्सा करने की बजाय, मिसबिहेव करने की बजाय ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर क्या हो सकता है। सो आई होप अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो कंडीशन ज्यादा बेटर होगी, बच्चा जो मिसबिहेव कर रहा है उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेरेंट्स के लिए जानना, क्योंकि अभी तक जो एशियन पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल थी वो बिल्कुल ये थी, वो बहुत ही ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल थी उनकी, और उनको पता भी नहीं था। कई बार हम गलती से इस तरह का बिहेव कर रहे होते थे, लाइक बच्चे के साथ गुस्सा करना, डांटना, मारना, और हमें लगता था शायद यही डिसिप्लिन का एकमात्र तरीका है, राइट? बट जब आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपका बच्चा ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है, ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में आपसे बात कर रहा है, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहा है, या इस तरह के और भी बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आपको बच्चे में देखने को मिल रहे हो, ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी काउंसलर, किसी सर्टिफाइड काउंसलर या किसी सर्टिफाइड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि वो चाइल्ड साइकोलॉजी में ट्रेन्ड होते हैं, एक्सपर्टाइज होती है उनके पास, तो वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे कि एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा 8 साल से बड़ा है, 12 साल, 14 साल, 16 साल की एज में है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को भी आप मेंटली प्रिपेयर करें और इस तरह के प्रोफेशनल हेल्प के लिए उसको जागरूक करें, उसको प्रोफेशनल हेल्प दिलवाएं। आप बच्चे से इस बारे में पहले से बात भी कर सकते हैं, लाइक बच्चे को बोलिए कि जैसे हम लोगों को सर्दी जुकाम होती है या फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम वैसे ही हम लोगों को जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है तो हमें मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स, दैट मींस काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है। अगर हम किसी से हेल्प ले रहे हैं दैट्स नॉट अ बिग डील, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अवेयर है इससे ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो एज अ पेरेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जरूर आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और अपने बच्चे को भी काउंसलिंग के लिए जरूर प्रेरित करिए और उसको लेकर के जाइए। हमारी सोसाइटी में अभी ये स्टिग्मा बना हुआ है कि काउंसलर के पास या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ वही जाते हैं जिनमें पागलपन होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दिन प्रतिदिन की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, परेशानी होती है, उसके लिए भी हमें काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। सेकेंड थिंग, कैसे हम पेरेंट्स को इसके लिए जागरूक कर सकते हैं कि वो काउंसलिंग के लिए जाएं, वो काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। तो सबसे अच्छा माध्यम है इस टाइम पे हमारे पास
सोशल मीडिया ना, अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी जुड़े हुए हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे फेसबुक पे आपको बहुत सारे पेरेंटिंग ग्रुप्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग कोचेस का इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगा, जहां पे आप थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं, तो इस बारे में उनसे बार बार बात कर सकते हैं कि इस तरह की प्रोफेशनल हेल्प क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, और इससे रिलेटेड स्टिग्मा के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं महसूस करनी चाहिए, उसका रीजन ऑफकोर्स ये है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम होती है और उसके लिए हम बिना शर्मिंदगी महसूस किए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है, वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। तो इसके लिए भी हम बिना शर्मिंदगी महसूस किए मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स के पास, दैट मीन्स काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या विकेरियस लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, बच्चे हमें देख करके सीखते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत स्वभाव का हो, बहुत एग्रेसिव ना हो, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, बहुत ज्यादा मिसबिहेव ना करे, तो पहले जरूरी है कि आप अपने इमोशंस पे काम करें, अपनी फीलिंग्स पे काम करें। तो उसका सबसे पहला तरीका है कि अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जानिए। मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं वन ऑन वन सेशन के लिए या मेरे पेरेंटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मैम 90% टाइम बच्चों का बिहेवियर हमें इग्नाइट नहीं करता, बच्चों का बिहेवियर हमारे लिए ट्रिगर की तरह काम नहीं करता। हमारी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम, फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम या लाइफ पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसका फ्रस्ट्रेशन हम बच्चों पे उतार रहे होते हैं। बच्चे ऐसी कोई एक बदमाशी करते हैं और सारा गुस्सा हम बच्चे पे उतार देते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि पहले हम अपने ट्रिगर पॉइंट पे काम करें, दैट मीन्स हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या अभी जो गुस्सा मुझे आ रहा है मेरे बच्चे पे, वो इसके बिहेवियर की वजह से है या मेरा खुद का कोई फ्रस्ट्रेशन है, मेरी खुद की कोई सप्रेस फीलिंग है जिसकी वजह से मुझे ये गुस्सा आ रहा है। तो अगर मेरा खुद का कोई फ्रस्ट्रेशन है, खुद की कोई सप्रेस फीलिंग है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले मैं उसको रिजॉल्व करूं, राइट? नाउ हीट ऑफ द मोमेंट की अगर हम बात करें, सपोज कि बच्चे ने कोई बदमाशी की और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कैसे कंट्रोल करें? तो उस कंडीशन में आप दूसरे रूम में थोड़ी देर के लिए चले जाइए और बच्चे को बोलिए कि मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए, क्योंकि मी टाइम से हमें वो पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है, पहले तो आप ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करिए, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है वो रीजन जानिए और उस पर काम करिए। दूसरी चीज है कि अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम दीजिए, दैट मीन्स अपनी हॉबीज के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। मदर्स के लिए मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो अपना बहुत ज्यादा टाइम बच्चों में इंगेज कर रही होती हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 5 मिनट या 10 मिनट, आपको जो भी पसंद है, लाइक आपको सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग या बाहर घूमना, जो भी आपकी हॉबीज है, उसके लिए 10-15 मिनट का टाइम निकालिए, क्योंकि जब वो पीस ऑफ माइंड आपके पास होगा तभी आपको बच्चों तक भेज पाएंगी और तभी बच्चे सीख पाएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि टॉडलर्स अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन द एज ऑफ 5 और 6, बच्चों का जो फ्रंटल लोब होता है, हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, वहां पर एक पार्ट होता है एमिग्डाला। एमिग्डाला अपनी डेवलपिंग प्रोसेस में होता है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से बच्चे बहुत हाइपर विजिलेंट होते हैं, किसी भी छोटे से छोटे स्टिमुले के लिए बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ही हाइपर वे में रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो हम एक अच्छे रोल मॉडल बने, बच्चे हमें देख करके सीखें, दूसरा हम बच्चे को ऐसी कुछ काम टेक्निक, कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक भी सिखा सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग हो गया या फिर वो बलून की तरह मुंह को फुलाना हो गया या फिर काउंटिंग करना हो गया या फिर ओम का उच्चारण हो गया, वो हम पहले खुद करें
और तब बच्चे को सिखाएं कि देखो ऐसा करके भी इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे कि आपके बच्चे का गुस्सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा शांत हो सकता है।